जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली नाइसा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू की काफी सारी अफवाहें फैली थी, जिसके बाद अजय देवगन ने इन सभी खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था नाइसा अभी इस कंट्री में है ही नहीं, वो फिलहाल पढ़ रही है और उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो कभी भी अपना मन बदल सकती है। आपको बता दें कि आए दिन नाइसा देवगन को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है, जिसके बाद अब अजय देवगन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरे बच्चों को जज क्यों कर रहे हैं। जज मी बट डोंट जज माई किड्स। काजोल और मैं, हम दोनों ही एक्टर्स हैं और ये हमारी वजह से है कि हमारे बच्चे हर वक्त स्पॉटलाइट में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उन्हें जज करे, और जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं भी किसी के खिलाफ जजमेंटल होता हूँ तो उस इंसान को भी उतना ही बुरा लगेगा जितना कि मेरे बच्चों को लगता है। इतना ही नहीं, अजय देवगन ने ये भी कहा कि वो सभी लोग जो सोशल मीडिया पर उनके बच्चों को ट्रोल करते हैं उनके लिए मैटर नहीं करते, हालांकि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब उनके बच्चों को इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है। अजय देवगन ने इस इंटरव्यू में ये भी शेयर किया कि किस तरह नाइसा को इन ट्रोल्स पर बहुत बुरा लगता है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, वो पहले इस ट्रोलिंग से बहुत उदास हो जाती थी, लेकिन अब उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब वो जान चुकी है कि इन सभी चीजों से डील किस तरह किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते और आपको हमेशा जज करते रहेंगे। वेल, इसी स्टेटमेंट के साथ अजय देवगन ने ये प्रूव कर दिया है कि वो काफी आइडल फादर है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।